अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी। हम आ गए हैं मिनी बैटरी चार्जर के पार्ट फोर की तरफ। तो बाबा हमने ये ले लिया है, ये साथ पैकिंग दे दी है जैसे इसकी पहली पैकिंग बनी हुई थी। ठीक है, तो ये पेपर भी आ गया है, इसकी तार भी आ गई है। अब आपको कुलिया बताया था कि प्राइमरी की एक तार 11 टर्नें निकली थी, 32 नंबर तार थी, और सेकेंडरी की तार जो है 20 नंबर थी, उसकी 60-60 टर्नें निकली थी। तो उसी कुलिया के तहत हम इसको वाइंड करेंगे, 1011 टर्नें डालेंगे 32 नंबर की, और सेकेंडरी की 20 नंबर तार है उससे हम 60 टर्नें डालेंगे। तो चलें इसको आप वाइंड करते हैं, वाइंडिंग मशीन लगा के फिर आपको वाइंड करके दिखाएंगे। यहाँ तक हमने 1011 टर्नें लगा दी हैं। अब हम इसके बाद सेकेंडरी शुरू करेंगे, और सेकेंडरी शुरू करने के बाद सेकेंडरी की आपको टर्नें बताएंगे। तो चलते हैं, अब इसको पेपर लगाते हैं, इसके ऊपर पेपर लगाने के बाद इसके सेकेंडरी बैंडिंग डालते हैं। यहाँ पे 60 टर्नें हो गई हैं। अब यहाँ पे हम लूप लगा देंगे जो हमारे नेगेटिव इस्तेमाल होगी, तो लूप निकाल देते हैं। जैसे हमने लूप निकाल लिया इसकी, तो दोबारा टर्नें शुरू कर देते हैं, 60 टर्नें दोबारा लगाने। तो हमारी 60 टर्नें पूरी हो चुकी हैं, हमारी ये 60 टर्नें पूरी हो चुकी हैं। हम यहाँ टेप लगाएंगे, टेप लगा के इसकी लूप बाहर निकालेंगे, फिर इसके ऊपर पेपर लगा देंगे, इसके ऊपर पेपर लगा के इसको उतार देंगे। इसकी बाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है, फिर इसके बाद हम कोट डालेंगे।
ये तो इसके ऊपर हम फाइनल टच देते पेपर लगाते हैं। पेपर लगाने के बाद ये हमारी वाइंडिंग मुकम्मल हो जाएगी। अब इसका हम उतार देते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर वाइंड हो चुका है। एक और हम इसकी निकाल लेते हैं जी। तो ये आईओं को हमने अलहदा कर लिया है, ये आईओं को हमने अलहदा कर लिया है। अभी इसमें हम कोड डालेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोड कैसे डालते हैं, ये तो आईओं को हमने डाली है। अब हम आईओं को डालेंगे। अब इसका ये बटन लगाएंगे। जी तो हमारा ये मिनी बैटरी चार्जर का ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी फिटिंग करके दिखाएंगे और इसके कनेक्शन भी दिखाएंगे। ये हमारा ये प्राइमरी साइड है, तो ये सेकेंडरी साइड है। तो तब तक जी तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।